तो आइए जानने की कोशिश करते हैं एक्स मूवी यूनिवर्स कैसे काम करता है। अभी तक इस यूनिवर्स की 2 मूवीज रिलीज हो चुकी हैं और वहीं तीसरी मूवी अंडर फिल्मिंग है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपके लिए एक आवश्यक सूचना है कि आने वाले समय इस वीडियो में दिखाए गए सीन्स और मेरी भाषा से आपको असहजता हो सकती है, तो कृपया अपने रिस्क पर देखें। और हाँ, स्पॉयलर्स तो होंगे ही। अब इस यूनिवर्स को समझने के लिए हम अब तक की 2 मूवीज की कहानी को देखते हुए कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ इस पूरे यूनिवर्स के थीम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस सीरीज की पहली मूवी एक्स की कहानी में हमें देखने को मिलता है कि एक पोर्नोग्राफिक फिल्म शूट करने के लिए पूरा एक क्रू 1979 में दूर कहीं अमेरिका के लोकल फार्म को रेंट पर लेता है। इस क्रू में टोटल 6 मेंबर्स हैं। पहली है मैक्सिन, जो कि एक एस्पायरिंग एडल्ट फिल्म स्टार है। वहीं दूसरा है वेन, जो कि मैक्सिन का बॉयफ्रेंड है और मूवी का प्रोड्यूसर भी है। बॉबी और जैक्सन, जो कि मूवी में एक्टर्स होने वाले हैं, और वहीं आरजे, जो कि फिल्म का डायरेक्टर है, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड लोरेन भी आई है, जो कि उसको इस मूवी के दौरान असिस्ट करेगी। अब फार्म के ऑनर्स हैं बहुत ही बुजुर्ग हॉवर्ड और पर्ल, जो कि काफी स्ट्रेंजली इनका वेलकम करते हैं। और साथ ही हॉवर्ड फिल्म के क्रू को यह भी बताता है कि वह उसकी पत्नी के पास न जाएं और उसकी पत्नी को कोई भी डिस्टर्ब न करे। अब वह ऐसा क्यों बोलता है, इसका जवाब हमें मूवी में आगे देखने को मिलता है जब पर्ल धीरे धीरे करके सारे क्रू मेंबर्स को मार डालती है, एक्सेप्ट मैक्सिन, जो किसी न किसी तरीके से बच जाती है, और वह उल्टे पर्ल की ही हत्या कर देती है। और इस प्रकार यह मूवी कंक्लूड होती है। अब यूनिवर्स की दूसरी मूवी है पर्ल, जो कि एक्स मूवी की प्रीक्वल है और यह फोकस करती है पर्ल के ओरिजिन स्टोरी पे। और इसमें हमें देखने को मिलता है कि पर्ल अपने जर्मन इमिग्रेंट मदर और सिख फादर के साथ 1918 में उसी फार्म पर रहती है। हाल ही में उसका पति हॉवर्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए गया हुआ है और उसको यहीं उसकी मदर के साथ उसके फार्म पे छोड़ के गया है, जबकि उसे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। वह इस फार्म से निकल कर एक बहुत ही बड़ा डांसर बनना चाहती है और फेम कमाना चाहती है और बड़ी सिटीज में रहने का ख्वाब रखती है। साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि पर्ल के अंदर जानवरों को मारने की प्रवृत्ति है। एक दिन पर्ल जब बाजार जाती है तो उसको मूवी थिएटर के पास एक प्रोजेक्टनिस्ट मिलता है, जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। और जब वह बाजार से वापस आती है तो रास्ते में वह एक स्केयर क्रो के साथ डांस करती है और साथ ही साथ स्केयर क्रो को प्रोजेक्टनिस्ट के तौर पे फैंटिसाइज करके मैस्टरबेट करती है। और इस प्रकार हमको मालूम होता है कि पर्ल के लिए आजादी का एक मतलब सेक्सुअल फ्रीडम भी है। अगले दिन पर्ल की सिस्टर इन लॉ मिस्टी उसके यहाँ आती है और उसे बताती है कि चर्च में डांसिंग का ऑडिशन होने वाला है। पर जब पर्ल अपनी माँ से इस डांसिंग ऑडिशन के बारे में बात करती है तो उसकी माँ उसको साफ मना कर देती है। और साथ ही साथ उसकी माँ को यह भी पता चल गया होता है कि उस दिन पर्ल मूवी थिएटर गई थी। और रात को खाने के दौरान माँ और बेटी में आर्ग्यू होता है और वह आर्ग्यू इतना बढ़ जाता है कि गलती से पर्ल के द्वारा उसकी माँ जल जाती है और पर्ल उसको बाद में बेसमेंट में बंद कर देती है। अपनी जली हुई माँ को बेसमेंट में बंद करने के बाद पर्ल दौड़कर वापस उस प्रोजेक्टनिस्ट के पास जाती है, जहाँ वह रात को सेक्स करते हैं। और फिर वह प्रोजेक्टनिस्ट उससे वादा करता है कि वह उसे यूरोप लेके जाएगा। अगले दिन वह प्रोजेक्टनिस्ट पर्ल को उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है, पर पर्ल के विचित्र बिहेवियर के चलते वह वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसके दौरान वह पर्ल के हाथों मारा जाता है। फिर पर्ल अपने डैड को भी मार देती है और इस प्रकार सबको मारने के बाद वह ऑडिशन के लिए निकल जाती है, जहां उसे ऑडिशन में सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वह ब्लॉन्ड नहीं है। फिर मित्सी उसके साथ घर आती है, जहां वह बातों बातों मित्सी को बताती है कि उसने अपने मॉम डैड को मार दिया है और एक स्ट्रेंजर के साथ सेक्स भी किया है। और जब मित्सी यह सब सुनने के बाद वहां से जाने की कोशिश करती है तो वह भी पर्ल के हाथों मारी जाती है। अगले दिन हॉवर्ड आता है और यह सब देख के शॉक रह जाता है। और इस प्रकार यह मूवी खत्म होती है। पर्ल कभी भी किसी को मारने से पहले प्लान नहीं करती है, वह किसी को भी मार सकती है और जब उसका मन करे तब वह मार देती है। उसको मारते हुए देखने से यह हमको जरूर समझ में आ जाता है कि उसे मारने में बहुत मजा आता है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि तुम यह वीडियो अभी देख रहे हो। अब जब तुमने यूट्यूब खोला था तो तुमने तो ऐसा सोचा नहीं था कि मैं यही वीडियो देखूंगा, लेकिन तुम ये वीडियो देखे जा रहे हो क्योंकि तुमको मजा आ रहा है। अब पर्ल एक ऐसी वुमन है जिसको किलिंग करने में मजा आता है, ये बात हॉवर्ड तकरीबन 60 सालों से जानता है। पर वह यह बात जानते हुए भी पर्ल के हर एक किलिंग में उसका वह साथ देता है
और पर्ल के हर एक नीड्स को वह सेटिस्फाई करता है। यहाँ तक कि इतने दिनों से पर्ल बीमार है, इसके बावजूद उसने उसका कभी इलाज नहीं करवाया। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि हावर्ड अपनी जान की चिंता न करते हुए भी पर्ल के लास्ट सेक्स की इच्छा को पूरा करता है। अब हम सबको पता है कि पर्ल को शुरू से ही फार्म के एनिमल्स को मारने में मजा आता है और यह बात वह खुद भी एडमिट करती है। इसके बावजूद भी हमें पर्ल के लिए कहीं न कहीं सिंपथी रहती है, क्योंकि हमें यह पता रहता है कि जो सपना उसने देखा था वह कभी पूरा हो ही नहीं पाया। ना ही तो वह इस फार्म से निकल पाई, ना ही वह कभी एक्टर बन पाई और ना ही कभी एक डांसर बन पाई, और इस प्रकार वह कभी फेम नहीं पाती है, जबकि उसने कई दिनों से इस फेम को अपने जीवन में फ्रीडम के तौर में सिंबलाइज करके रखा था और वह सिंबल उसे कभी मिल ही नहीं पाता, और इस प्रकार वह एंगर और फ्रस्ट्रेशन में आकर एक बहुत ही बड़ी किलर बन के रह जाती है। जैसे एलिगेटर अपने शिकार पर हमेशा नजर बनाए रखता है और शिकार को कानों कान खबर तक नहीं होती, वैसे ही पर्ल भी अपने शिकार पर हमेशा नजर बनाए रखती और स्लोली स्लोली उसके पास मूव करती है। और जैसे एलिगेटर पल भर में शिकार पर झपट्टा मारकर उसे बचने का मौका तक नहीं देता, वैसे ही पर्ल अपने शिकार को बचने का मौका तक नहीं देती है। अब हमको शुरू से तो ये पता रहता है कि पर्ल को स्टार्ट में हावर्ड से बहुत लगाव रहता है, पर जब हावर्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए लड़ने के लिए जाता है और पर्ल को वहीं फार्म पर छोड़ के चला जाता है, तो धीरे धीरे पर्ल का लगाव हावर्ड के लिए कम होता जाता है और एक समय पर आकर खत्म हो जाता है। अब जब हावर्ड वापस आता है तो पर्ल को अपने कारनामों को छिपाने के लिए एक साथी की जरूरत होती है और पर्ल को हावर्ड में वही दिखता है, और इससे ज्यादा पर्ल को हावर्ड की कोई जरूरत नहीं होती है। नहीं तो हावर्ड जब मरता है तो पर्ल, जिसको कि रोना चाहिए या फिर टूट जाना चाहिए था, वह एक पल भी वेस्ट नहीं करती है और मैक्सिम को मारने के लिए तैयार हो जाती है। इससे हमें यह साफ साफ पता चलता है कि पर्ल को हावर्ड की तनकी भी नहीं पड़ी थी, और यह हमें यह भी बता जाता है कि हावर्ड तो खुद ही एक पर्ल का विक्टिम था जो कि उसके टॉक्सिक लव ने उसे बनाया था। अब इस यूनिवर्स की मूवीज हमेशा एक बात कहती है और वह यह है कि समय खुद को ही दोहराता है, और जो तुम आज कर रहे हो ना वह कल कोई और करेगा, यही है जीवन चक्र, और ये पूरी मूवी जीवन चक्र के ऊपर ही बेस्ड है। सो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट नेचुरल लाइफ साइकिल एंड हाउ फार्मर रिपीट्स लेटर। अब अगर हम शुरू से देखें तो पर्ल की माँ जर्मनी से अमेरिका आई ही क्यों रहती है, क्योंकि उसे अमेरिका में अपना एक बेहतर फ्यूचर दिखता है, बट समय के साथ उसका पति बीमार पड़ जाता है, उसकी एक बेटी है जो कि उसकी सुनती ही नहीं, और इस प्रकार उसके सपने धरे के धरे रह जाते हैं और वह अपने इस फार्म वाले जीवन को ही सच मानकर बैठ जाती है और इसको स्वीकार कर लेती है। और वहीं अगर हम पर्ल को भी देखें तो उसके भी सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं कि एक्ट्रेस बनना है, डांसर बनना है, इस फार्म से निकलना है, बिग सिटीज में रहना है, स्टारडम में जीना है, फेम पाना है, बट ऑडिशन में रिजेक्ट हो जाने के बाद वह भी इस बात को स्वीकार कर लेती है कि यही उसकी जिंदगी है और वह जीवन भर इस फार्म से नहीं निकल पाएगी। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि पर्ल कहीं न कहीं खुद अपनी माँ की तरह बन जाती है। अब अगर हम दोनों कैरेक्टर्स को देखें तो घर से बगावत करना, बड़ा बनने का सपना देखना, अच्छी जिंदगी जीने का सपना देखना देखने को कॉमनली मिल जाएगा, और यही तो है नेचुरल लाइफ साइकिल। अब जरा मैक्सिम के बारे में बात कर लेते हैं। अब एक्स मूवी के एंड में हमें यह क्लियरली बता दिया जाता है कि मैक्सिम के फादर एक क्रिश्चियन प्रीचर हैं, और इस तरह हमें यह भी मालूम चल जाता है कि मैक्सिम अपने फादर से रिबेल करके एडल्ट स्टार बनने के लिए निकली है, और फिर वही घर से रिबेल करना, बगावत करना, बड़े सपने देखना, इस कैरेक्टर में भी सेम टू सेम हमें वही बातें देखने को मिलती है जो कि बाकी पिछले दो कैरेक्टर्स में हमको देखने को मिला था। पर्ल को मारने के बाद मैक्सिम बोलती है कि आई विल नॉट एक्सेप्ट द लाइफ आई विल नॉट डिजर्व, और इस प्रकार यह लाइन हमें यह उम्मीद दिए चला जाता है कि मैक्सिम की लाइफ भी कुछ इसी नेचुरल लाइफ साइकिल की तरह होने वाली है। अब अगर मैं बहुत ही आशावादी बनूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, मैक्सिम लिव्स हर लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर, मगर फिर ये नेचुरल लाइफ साइकिल हुआ कैसे, और जब यह नेचुरल लाइफ साइकिल हुआ नहीं तो फिर तो हमें नेचुरल लाइफ साइकिल की ऐसी की तैसी करनी होगी, जीवन चक्र इतना आसान तो है नहीं। और हाल ही में मैक्सिम मूवी के अनाउंसमेंट से यह क्लियर तो हो ही गया है कि मैक्सिम इज इन लॉस एंजेलिस। अब क्योंकि यहाँ मैक्सिम में ट्रिपल एक्स है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह बहुत ही बड़ी एडल्ट स्टार बनने के लिए चली गई है। खैर, जब मैक्सिम आएगी तब इस यूनिवर्स के बारे में और अच्छे से बात करेंगे, और तब तक के लिए मुझे बताओ यार कि कैसा लगा वीडियो, और अगर मुझसे कुछ छूट गया तो वह भी मुझे बताओ, और अगर कहीं से नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही देना, और तब तक के लिए देखते रहे मूवी मोंटाजेस।